देखिए, किसान ने इस आंदोलन में देश के सामने बहुत बड़ी अग्नि परीक्षा दी है। 3 महीने से शांति, संयम, अनुशासन के रास्ते पे चलना इतने बड़े आंदोलन में, जबकि प्रोवोकेशंस हुई हैं, आपने देखा कि पत्थरबाजी बीच में, कुछ एक पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं ने तीनों धरनों पे शांति से बैठे किसानों में पत्थरबाजी करने की बात आई, तो किसानों ने जो जाने गवाई, इन धरनों से शव वापस आए, उसके बाद सरकार के मंत्रियों द्वारा उसका मजाक उड़ाने की बात आई, तो अब जो, जैसे आपने बताया कि केंद्रीय में जो एक पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद हैं, वो उनके कुछ लोगों द्वारा किसानों पे जो है इस प्रकार से हमले की बात आई है, तो ये मैं बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। मगर इस सब के बावजूद किसान अपने शांति अनुशासन के रास्ते पे कायम है, इससे देश को उनकी नीयत का अंदाज़ा लगाना चाहिए। उनकी नीयत बिल्कुल स्पष्ट है, प्रजातंत्र में अगर किसान उनकी कोई सरकार अपने कानून से सहमत नहीं है और अपनी लड़ाई लड़ना चाहते हैं, तो प्रजातंत्रिक और शांतिपूर्ण संघर्ष के अलावा क्या रास्ता बचता है, आप बताएं। मतलब एक तरफ सरकार कहती है कि हम संशोधन के लिए तैयार हैं, वार्ता के लिए तैयार हैं, दूसरी तरफ कहती है कि अपने नेताओं से आप जाओ और लोगों को समझाओ कानूनों के बारे में। समझाओ भी नहीं कह रही, अब तो कह रही बहकाओ। आपने एक वीडियो देखा होगा, यानी कि बीजेपी वाले स्वयं ये मान रहे हैं कि ये कानून किसान के हक में नहीं है, तभी वो कह रहे हैं कि जाके किसानों को बहकाने का काम करो, क्यों कहीं ना कहीं ये जो बीजेपी है ये दुष्प्रचार में जो है ये माहिर लोग हैं, ये बहुत झूठा प्रचार, बीजेपी ये प्रचार में प्रचार तंत्र को इन्होंने काबू किया हुआ है कहीं ना कहीं देश में। मैं अपनी स्थानीय मीडिया का धन्यवाद करता हूँ इस उपलक्ष्य पे कि आपने बैलेंस, दोनों किसान की भी, विपक्ष की भी और सरकार का भी पक्ष आपने रखा, यही प्रजातंत्र में होना चाहिए। हम नहीं कहेंगे आपसे कि सरकार पक्षी मत रखिए, मगर देश के कुछ मीडिया के में एक ऐसा भी तबका है जो कि पूरी तरीके से किसान की आवाज़ को, जिन्होंने कलंकित करने का, किसान आंदोलन को कलंकित करने का, आवाज़ को दबाने का जो प्रयास किया, वो वन साइडेड कवरेज भी नहीं होनी चाहिए। ये कितना ही निशाने पे ले, जो समन जारी किए हुड्डा साहब के, उस बारे में कहना चाहता हूँ, ये कितना ही हमें निशाने पे ले, इस तरीके से हमारी आवाज़ को नहीं दबा पाएंगे। उनको नहीं भूलना चाहिए कि हम उस परिवार से हैं, कि हमारे पूर्वजों ने देश के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, चाहे मेरे दादाजी हों, चाहे परदादाजी हों, उन्होंने अंग्रेज़ों की जो है कई कई वर्ष अंग्रेज़ों की सजाएं, उनकी जेलों में रहकर भी आज़ादी के आंदोलन में उन्होंने अपना योगदान दिया। जब अंग्रेज़ों, जब ब्रिटिश की हुकूमत से वे नहीं डरे न्याय की लड़ाई लड़ने में, तो इस तरीके से जो है जो निशाने पे लिया जा रहा है, इस बात से हम ना तो डरने वाले और मजबूती से किसान के साथ खड़े होंगे, किसान की आवाज़ उठाएंगे, लड़ाई लड़ेंगे। मगर दुख की बात इसमें प्रजातंत्र में ये भी है कि पूरे देश में जहाँ भी, अगर बंगाल में, मैं केवल कांग्रेस की बात नहीं कर रहा, जो भी मजबूत विपक्ष की आवाज़ होती है, अगर बंगाल में ममता बनर्जी है तो उनको निशाने पे लिया जाता है, आप देख रहे एजेंसी आजकल कहाँ जा रही है, अगर हरियाणा में हुड्डा साहब किसान के साथ खड़े होकर गरीब की, किसान की, नौजवान की आवाज़ उठा रहे हैं तो उनको लिया जाए, तो पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह को, तो दिल्ली में केजरीवाल को, राष्ट्रीय स्तर पर गांधी परिवार की बात हो, चाहे अपना हिमाचल में वीरभद्र सिंह की बात हो, तो हर, चाहे वो यूपी के अंदर आपने देखा जो दोनों क्षेत्रीय दल हैं उनको निशाने पर लिया हुआ। ये जो आपका प्रश्न था ये सही प्रश्न है, ये बड़े दुख की बात है कि सारी मजबूत विपक्ष की आवाज़ों को जो है सरकारी तंत्र को दुरुपयोग करके जो ये निशाने पर लेने की एक प्रथा बीजेपी ने शुरू करी है, मैं समझता हूँ कि ये अच्छी प्रजातंत्र सही नहीं है, मगर इससे वो हमारी आवाज़ नहीं दबा। आंदोलन और तेज होगा, भले ही इस आंदोलन के जो विरोधी है वो ये कह रहे हैं हम लोग चले जाएंगे, थक गए, फसल का काम होगा, लेकिन किसानों ने एक मास्टर प्लान तैयार किया है कि वो नंबर वाइज यहाँ आते रहेंगे, जैसे कि हमारे संयुक्त मोर्चा पलवल ने भी तय किया है कि कम से कम 200 लोग रोज आएंगे, कल वो खेत का काम करेंगे, घर में बुजुर्ग हैं,
या और कोई लोग हैं जो यहाँ आएंगे, और इन्होंने एक अपील की अपने क्षेत्र के किसानों से कि एक आदमी एक घर से जरूर आएगा और अपने आंदोलन को सफल बनाएंगे। 15 अप्रैल तक फसल का काम पूरा हो जाता है, फिर गर्मियों में चलेगा हमारा आंदोलन, और जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी, ये काले कानून की वापसी नहीं होगी, बिजली बिल को वापस नहीं लिया जाएगा, पराली कानून को रद्द नहीं किया जाएगा जलाने के, तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा।